हे गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी हमारे किचन में बन रहा है खाना। पति देव का आने का टाइम हो चुका है। थोड़ा सा जी रही से डाल खाना बना रहे हैं। खाने में बना रहे हैं, चावल बनाएंगे, दाल बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे और बना रहे हैं आज एक मिक्स वेज की सब्जी। ये है मच्छा लहसुन डालते हैं। अब ये हम सब्जी देखें, इसी को सब्जी आज मस्त बना रही है। इसमें दो आलू है, गाजर है, एक शिमला मिर्च है, बीन्स है। बीन्स ज़्यादा दिन से रखा हुआ था तो ख़राब हो रहा था, तो हम सोचे इसको बना कर ख़त्म करें। और इसका सब्जी बहुत ही टेस्टी होता है। दो प्याज है छोटा छोटा, और फिर मच्छा डाल दिए हैं। अच्छा, भी ऑलमोस्ट हो चुका है। प्याज डालते हैं, इसको बहुत ही बारीक से काटे हुए हैं। आप खुद देख सकते हैं एकदम बारीकी इसको, मतलब बड़ा बड़ा ही थोड़ा इसको चॉप कर दिए हैं। चॉप कर खाते हो। और इसका मिक्स वेज की सब्ज़ी इसकी बहुत ही अच्छी लगती है। इसमें जान जितना आप मिक्स वेज जितना जो भी सब्ज़ी हो, जो भी वेजिटेबल आपके पास हो, गोभी मटर जो भी हो आप डाल सकते हो। तो हमारे पास सब कुछ बीन्स है, एक गाजर है और आलू है और एक शिमला मिर्च, वही हमने डाला है। ज़्यादा कुछ हमने नहीं डाला हुआ। प्याज भी ब्राउन हो गया, ज़्यादा नहीं होंगे। और इसको एकदम धीमी आंच से पकाएंगे, मुझे ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और डेली ब्लॉग नहीं आ रहा उसके लिए सॉरी आप लोग, डेली नहीं डाल पा रहे ब्लॉग में, इसके लिए सॉरी। थोड़ा सा गाजर बचा लिए थे, वही खा रहे हैं। ढककर धीमी आंच पर पकाएंगे। टमाटर काट के, एक टमाटर, एक बड़ा टमाटर था, यह सब्जी हो रहा है, इसमें डाल देते हैं। इसको इसको चला देते हैं। मांस देखिए कितना देखने में अच्छा लग रहा है ना, कैमरे में तो और भी अच्छा लग रहा है। कैमरे से अच्छा ऐसे लग रहा है। अब बोलेंगे कि एक बार आपको वैसे बना के खाइएगा तब बोलिएगा कि ये मस्त लग रहा है ना। बड़ा बड़ा बिल्कुल काटने की जरूरत नहीं है, छोटा छोटा आलू काटिए। मस्त देखिए, ये देखिए क्या मस्त बन के रेडी हुआ है। और बहुत ही जल्दी ये हो जाता है, आप देखते रहिए कितना जल्दी होगा ये। देखिए इसका थोड़ा सा बनाएंगे खीरा का रायता, इसके लिए भी हमने काट लिया है। एक काटेंगे मिर्चा, बहुत तीखा हो जाता है तो लड्डू पापा नहीं खाते। एक ही मिर्चा काटेंगे और नमक। चल रहे हैं दही लाने। हे गाइस, तो देखिए हमने दही को फेंट लिया है और इसमें डाल देंगे ये सारा जो भी हमने काटा हुआ है, गिर गया, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा। बच के हाथ से काम करना ही पड़ता है। देखिए मस्त, डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। क्या बेटा गिर जाएगा डब्बा? मिर्चा सोच रहे, मिर्च सोच रहे डाले कि ना डाले, तो पापा उतना खाते नहीं।
सादा ऐसे ही बनाते हैं, सादा बनाए हैं। देखिए एक मिर्च काट दिए हैं, ज़्यादा नहीं काटे, उसको डाल रख देंगे फ्रिज में ताकि ठंडा रहेगा, नहीं तो ये गर्म हो जाएगा तो उतना मज़ा नहीं आता रायते का, रायता ठंडा ठंडा खाओ तभी लगता है। जो चलते हैं सब्जी का देख लेते हैं, सब्जी हमारे तो सब्जी देखिए कुछ इस तरह से बन के रेडी हो गया है, हमारा सब्जी बन गया है। एक आलू दबा करके देख लेंगे, हो गया है सब्जी, थोड़ा सा आलू और आ गया तो इसको थोड़ा सा रोक देते हैं। हे गाइस, देखिए हमारा सब्जी बनकर रेडी हो गया, रायता बना लिया हमने, सलाद काट लिया, यहाँ चावल रख दिया, यहाँ दाल है, दाल हमारा गरम हो रहा है, दाल पहले का बना हुआ था, और सारा ऑलमोस्ट हमारा बनकर रेडी है। मेरा लड्डू है, लड्डू को आप लोगों ने नहीं देखा, लड्डू सैलेड खा रहा है, वगैरह हमने फ्रिज में रख दिया है, और लड्डू के पापा अब आएंगे तो सिर्फ खाना रहेगा, सारा हमने रेडी कर दिया, और आज का ब्लॉग भी यहीं तक रहेगा। और आज का ब्लॉग पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, खूब सारा शेयर करिएगा, कोशिश करते रहेंगे कि आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा ब्लॉग लाते रहें, जैसे जैसे तबीयत हमारा सही होता है वैसे वैसे लाते ही रहेंगे। और लड्डू पापा का आने का अब टाइम हो चुका है तो ब्लॉग को हम यही एंड करेंगे, मोबाइल हमारा चार्ज नहीं है, चार्जिंग में लगाएंगे, सारा रायता हमने फ्रिज में रख दिया है, और आप लोग सिंपल सा रायता बना के हमने आप लोगों को दिखाया, थोड़ा सा दही लीजिए उसमें, एक खीरा फाइनली चॉप कर लीजिए, एक मिर्च डाल दीजिए, नमक डाल लीजिए, सिंपल सा तैयार हो गया कोई भी रायता, चाहे उस पर खीरा का बना लीजिए, गाजर का बना लीजिए, काकड़ का बना लीजिए, प्याज का भी बनता है, टमाटर का भी बनता है, जो भी आप बना सके। तो सच में मजाक नहीं कर रहे हैं, ऐसा मतलब सादा रायता है जैसे भी बना है वैसे बन जाता है, उससे भी तो आसान है बूंदी का रायता जो मार्केट में पैकेट में मिलता है, लाओ पैकेट फाड़ो, दही मेल्ट करो और डालो उसमें और मिलाओ और खा लो। लेकिन इसका थोड़ा खीरे वगैरह का सैलेड का रायता बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब ज़्यादा बकबक नहीं करेंगे, ब्लॉग को एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे जी, जय श्री राम।